मिसाइल फोर्स को मिलेगी एवनगार्ड सिस्टम की ताकत। ओरेनबर्ग में मिसाइल रेजिमेंट को मिलेगा एवनगार्ड सिस्टम। मिसाइल फोर्स की येस्टर्न स्काई फॉर्मेशन के लिए काम जारी है। ओरेनबर्ग में मिसाइल को साइलो सिस्टम में रखने का वीडियो भी सामने आ चुका है। तो ये एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा जो कि एवनगार्ड बताया जा रहा है। पुतिन का ये न्यूक्लियर प्लान है क्या, हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं। लेकिन ओरेनबर्ग से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तैयारी की बताती हैं कि किस तरह की तैयारी इस प्लान से जुड़ी हुई सामने आ रही है, इस एवनगार्ड सिस्टम से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और पुतिन का न्यूक्लियर प्लान एवनगार्ड, अब ये क्या है और ये क्या ये आगे कामयाबी पुतिन को दिला पाएगा, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। एवनगार्ड से मिसाइल फोर्स की कॉम्बैट ताकत बढ़ेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल है और ये पूरा व्हीकल सिस्टम है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। एवनगार्ड की खासियतें आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि न्यूक्लियर वॉरहेड को तेजी से अंतरिक्ष में ये ले जाता है। ये पूरा सिस्टम जिसे जो एक अचूक या ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, नीचे आते समय एवनगार्ड सिस्टम स्पीड को बढ़ा सकता है। ये भी एक क्वालिटी में से एक है एवनगार्ड की, नीचे आते समय एवनगार्ड सिस्टम स्पीड को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो न्यूक्लियर प्लान है या फिर इस पूरे प्लान के तहत जो सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और रूस अपनी स्ट्रैटेजी इसी तरह से रच रहा है। आशीष हमारे साथ सीधे वॉर जोन से जुड़ चुके हैं, जो पल पल की अपडेट इस वक्त हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरह का है। आशीष, अभी आप क्या देख सकते हैं, क्या ये जो बोला जा रहा है बार बार की सर्दियां आने पर, विंटर्स आने पर युद्ध जो है वो एक होल्ड की सिचुएशन में जा सकता है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त आप जब वहां पर पहुंचे तो क्या हाल इस वक्त देख रहे हैं, अपडेट क्या? सर्दियां आने को नहीं है निधि, सर्दियां ऑलरेडी आ चुकी हैं और दिन में इस समय दोपहर की शुरुआत हुई है यहाँ पर पोलैंड में, और जो कि ऑब्वियसली यूक्रेन से सटा हुआ बॉर्डर कंट्री है। और यहाँ से हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर मिसाइल गिराई गई थी और साथ ही यूक्रेन भी एंट्री करेंगे। यहाँ पर दिन में टेम्परेचर -6 और -7 डिग्री तक पहुँच चुका है, यानी कि अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फिर एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को किस तरह से हथियार बनाया गया है व्लादिमीर पुतिन द्वारा, उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा अगले एक या फिर दो हफ्तों में। आप मान के चलिए नवंबर एंड तक यूरोप को गंभीर तरीके से सोचना होगा कि अगर वो नॉर्थ स्ट्रीम 1 की सप्लाई नहीं मिले, उन्हें ज़ेपोरिज़्या जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर बाकी जो यूक्रेन के पावर प्लांट है उससे सप्लाई अगर यूक्रेन, और फिर जैसे ज़ेपोरिज़्या है जो कि यूरोप में भी काफ़ी जगहों पर पावर सप्लाई करता है, अगर ये सब ना हो, अगर नॉर्थ स्ट्रीम बंद हो जाए जो कि ऑलरेडी 95% तक बंद है, अगर उसकी रीसप्लाई शुरू नहीं होगी तो यूरोप और यूक्रेन सर्वाइव कैसे करेंगे? जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक आम नागरिक के लिए अगर उन्हें एनर्जी सप्लाई नहीं मिले तो। आप मान के चलिए अगर -6 -7 अभी दिन में है, जब दोपहर के ठीक 12 बजे अगर इस समय ये हालात हैं तो रात को क्या होगा और दिसंबर और जनवरी में क्या होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एग्जैक्टली ये बात समझते हुए व्लादिमीर पुतिन को, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।